तो आइए दोस्तों और छात्र शुरू करते हैं इस सेशन को। और आज के सेशन में हम बात करेंगे फिजिक्स के क्लास 12th के बहुत ही इम्पोर्टेंट हाफ को, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। दोस्तों इस इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन हम अपने आसपास देखते हैं और यही एप्लीकेशंस इसको इस लेवल का बनाते हैं कि हम इन्हें अपने क्लास 12th के सिलेबस में पढ़ें। दोस्तों ये जो इलेक्ट्रोस्टैट्स है, ये अपने आप में कहानी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैट्स बहुत ही एक सिंपल, डीप और एप्लीकेटिव टॉपिक है। और अगर इस पर आपकी पकड़ बन गई दोस्तों, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम तो आप बहुत इजीली क्रैक कर देंगे, और ये आपको हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जेई में, बिटसेट में, केवीपीवाई में, और ऐसी बहुत सारी एग्जामिनेशंस में। दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैट्स को बहुत लोगों ने बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया है आज से पहले। मैं भी एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ कि इलेक्ट्रो माने चार्ज, और वो चार्ज जब स्थिर है, बिल्कुल स्टेशनरी है, अपने स्टैटिक मोमेंट में है, एक ही जगह पे है, रेस्ट पे है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसका जो चरित्र है, उसका जो कैरेक्टर है, उसी को इलेक्ट्रोस्टैट्स कहा जाता है। तो ये जो चार्ज है, ये आखिर है क्या? ये बहुत ही एक सिंपल कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि ये जो चार्ज है, ये मैटर का अंदरूनी चरित्र है। इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब लेमैन को समझाऊं, इंट्रोडक्शन सेशन में बताऊं, एक बिल्कुल बिगिनर के लिए इस चार्ज को कैसे समझा जाए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसकी अपनी खुद की एक मूवमेंट होती है, उसकी अपनी खुद की एक स्टाइल होती है, और वो जो हरकतें करता है वही उसकी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टर्स बनती हैं। फिर धीरे धीरे उसको सिखाया जाता है, उसी तरीके से चार्ज को भी मोल्ड किया जाता है। तो ये जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये दो प्रकार की पाई गई है। पहली है नेगेटिव चार्ज, यानी कि बाहर से शक्ति को अंदर लेना, और पॉजिटिव चार्ज यानी कि अंदर से बाहर विस्तार करना। तो इस तरीके के लोग भी होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इन पर बेस्ड हैं, वो यहाँ आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इज द फर्स्ट लॉ, इट इज एन एनालॉगस विद द ग्रेविटेशनल लॉ। दिस कूलम्स लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द नेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ एनी नेचर। दे कैन बी आर्बिट्री, दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव, एट द सेम टाइम दे कैन बी अनलाइक और लाइक एज वेल। बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज कूलम्स लॉ। In our next sessions, we will tell you about the proportionality. There's a concept of proportionality in physics which states that this force is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. And this Coulomb's law can be both attractive and repulsive. Are you getting it? Whereas the gravitational law, which we have learned in our class 11th, was just attractive. So this is the application. When we move forward in physics and go towards the basics, the basic and the foremost important thing is that this electrostatic force is a fundamental force of physics. Do you remember them? Can you recall them? No? Okay, I tell you. The four fundamental forces in our nature of physics are the strong nuclear force, the weak nuclear force, the electrostatic force, and the gravitational force. So this is the order of hierarchy of fundamental physics, which is sometimes unreal. बहुत लोग नहीं जानते इसके बारे में, पढ़ाया ही नहीं जाता। अगर आप बहुत लोगों से पूछे कि फिजिक्स के फंडामेंटल फोर्सेस क्या है, फंडामेंटल लॉज क्या है, बहुत लोग नहीं जानते बॉस। तो इस सेशन में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह समझाना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये एनालॉगस तो है ग्रेविटेशनल फोर्स से, लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। कितनी बड़ी है क्वांटाइजेशन में, ये तो नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको पता लग जाएगा, लेकिन इस फोर्स की सिग्निफिकेंस बहुत है। लेकिन ये जो कूलम्स लॉ है ना, इसका एक डीमेरिट है, बहुत ही प्रोमिनेंट डीमेरिट, एक नुकसान, वो क्या है? कैलकुलेशन बहुत लंबी कर देता बॉस। अगर आप इससे किसी ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने बैठे, तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम इज द की फॉर सक्सेस। तो इस टाइम को कम करने के लिए हम यूज करते हैं गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम
क्या है बेसिकली? एक assumption है। ये assumption है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए एक इमेजिनरी बॉडी कंसीडर कर सकते हैं। एक इमेजिनरी बॉडी विच कैन बी अ स्फीयर, विच कैन बी अ स्क्वायर, विच कैन बी अ क्यूबॉइडल, विच कैन बी अ लाइन, एंड इट मेक्स अ कैलकुलेशन इजी बिकॉज इट यूजेस द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। इफ आई डिफाइन गॉस थ्योरम, व्हाट इट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स enclosed by a sphere and it's 1 by epsilon naught times, and that these factors are very deep. If I go on explaining and exaggerating on these factors, our class and lecture would be very long. But for starting, I am here to show you the arbitrary systems. This is an arbitrary system of two charges, Q1 and Q2. The force between them is k times the product of q1 q2 by the inverse square of distance between them. Now you would be amazed that I have written r here and l here. Why is it so? These both are same, my dear friends. If I calculate the force here, it would be somewhat equal to k q1 q2 by l square. So here you see, this R and this L are same. For two different systems, they might be different, but if we consider them to be same, in this scenario, they are same. Now I am considering very important charge, and that is your positive charge. The property of this positive charge is that the electric field lines come out of it radially. And these electric field lines always travel in a straight line. Moving on to the other character in our electrostats is the negative charge. And it is completely opposite. It takes the electric field lines emitted by the positive charge inside it. Now, these arbitrary systems can be a dipole, they can be an unlike system, or they can be a like system. But the applications are that this electric field is used variously. For example, if we consider another system, this is your dipole. It has equal and opposite charges. This is a dipole. And there are very two important points in this dipole, and they are the axial point and the equatorial point. There are calculations, we will derive it further on. But for starting, this dipole is the root of electrostats. We can find electric field for almost all the objects using Gauss theorem and as well as Coulomb's law. Now let's shift our topic towards physics. तो भाई साहब ये physics है क्या? भौतिकी। जितना भी आप देख रहे हैं अपने आसपास physical, उसकी study physics। और ये physics इतनी typical है कि इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे टिप्स फॉलो करने होंगे, और वो टिप्स हैं कि आपकी जो नोटबुक है उसमें ईच एंड एवरी डेरिवेशन शुड बी देयर। यू हैव टू कैलकुलेट योर एनसीईआरटी अलोंग विद ओनली वन बुक, एंड दैट इज एचसी वर्मा, विच इज सफिशिएंट बिकॉज मैन मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एस एल अरोड़ा कर लो, एचसी वर्मा कर लो, या रेस्टिक हेलाइडे कर लो, आयरोडो कर लो, कोई फायदा नहीं है बॉस, बेसिक समझ जाओ, सारे काम आसान है। अगर चर्चा करनी है तो बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, लेकिन जरूरी क्या है कि आप तक वो पहुंचे जो आपके काम का है। दोस्तों मैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ। मैंने अभी हाल ही में बिटसेट एग्जाम दिया, उसके पहले KVPY दिया, IIT ट्राई किया। मैंने एक चीज समझ ली कि भाई बेसिक है, एडवांस की बात अलग है, एडवांस तक जो जाना चाहे उसकी पढ़ाई अलग है, लेकिन
JEE mains और board exams are more or less same. They are oriented towards basics. तो वो basic बनाने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको एक example देता हूँ. अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, बस इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. तो आप खुद सोच सकते हैं इतना छोटा चार्ज है और यही चार्ज पूरी फिजिक्स बना रहा है. अब ये जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनाता है तो करंट फ्लो करता है, जब ये स्टेशनरी रहता है तो स्टेशनरी रहता है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब ये स्टेशनरी रहता है तो एक अपैरेटस बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा. बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस चैप्टर से आप क्लैरिटी लेके जाए, बिकॉज फिजिक्स इज अ गेम ऑफ क्लैरिटी नॉट कैलकुलेशन. अगेन क्लैरिटी नॉट कैलकुलेशन. तो मैं आपसे क्या बात करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझना इतना इम्पोर्टेंट क्यों. अब ये दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, अभी क्या बताया था, बाहर निकलेगी, निकली और यहाँ अंदर आएगी. अब ये डायग्राम अगर क्वेश्चन बोर्ड में आ गया आपको 3 नंबर दे जाएगा. आपको क्या लिखना है, कंसीडर अ सिस्टम of two equal and opposite charges situated at a distance L apart. That's it. So clarity is important. अगर आपको एक और example चाहिए तो बहुत आसान है, यहाँ पर एक rod बना देते हैं, ये लीजिए ये rod, positive charge है, electric fields बाहर निकल रहे हैं. इसे electric field निकालना है तो आपके पास आएगा 2πε₀r. तो ये सब तो फैक्ट्स, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस डाइपोल का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो कैसे निकालेंगे, क्या आप गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे या कूलम्स लॉ का. तो गॉस थ्योरम अप्लाई करते समय हमें ध्यान रखना है कि हम कैसी इमेज बना रहे हैं. अगर मैं इस डाइपोल को कंसीडर करता हूँ तो मैं अपनी गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बनाऊंगा, और जानते हैं इसका नेट आउटकम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0. और इसे क्या कहा जाएगा आगे आने वाले चैप्टर्स में, कैपेसिटर. अब हम इसकी बात करते हैं, ये एक रॉड है, इसके लिए कैसा बनना चाहिए. इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, उसके लिए गॉसियन सरफेस बनेगी सिलेंड्रिकल. अब ये भी गॉसियन सरफेस है, ये भी गॉसियन सरफेस है, लेकिन हर स्थिति में गॉसियन सरफेस परिवर्तित हो जाती है क्योंकि ये एक इमेजिनरी सरफेस एज्यूम की जाती. तो ये एक एजम्पशन है जो काम आसान करती है. फिजिक्स का पर्पस ही है आपकी कैलकुलेशंस आसान करना, क्योंकि अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस हर जगह लगाएंगे धड़ाधड़ कैसे लगाएंगे. अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक है कांस्टेंट सी, एक्स इक्वल टू सी, ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर दिया आपने डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू डी सी बाई डी वाई, फिर आपने इंटीग्रल कर दिया. ये कैलकुलेशंस को डिफिकल्ट करता है. अगर मैं आपसे वही कहूँ कि भाई x इक्वल टू सी है, हर पॉइंट पर बराबर होगी, इसका मतलब समझते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है